हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 7.1 निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें दूरी सूत्र के बारे में पढ़ रहे हैं हम। कक्षा 10 एनसीईआरटी आईबीएसई न्यू सिलेबस के अनुसार प्रश्न नंबर 9 कहता है कि यदि क्यू बिंदु पी और आर से समदूरस्थ है तो एक्स के मान ज्ञात कीजिए, दूरियां क्यू आर पी आर भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपने पास देखिए Q दे रखा है 0 और 6, जिससे कि अभी इसने दिया है P बिंदु 5 माइनस 3 और R बिंदु आपका X और 6 है। मान लेते यहां पर एक Q बिंदु है जिसके निर्देशांक हमें 0 और 1 दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं, दूरी सूत्र का उपयोग करते हैं। दूरी सूत्र अपना X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर, Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। अब इसने कहा है कि इससे समान दूरी पर है QP बराबर QR। हम क्या करते हैं, दोनों का ही होल स्क्वायर कर लेते हैं ताकि वर्गमूल का चिन्ह अपना क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब अपने पास क्या देखिए, इसके बराबर तो दूरी सूत्र X2 है। यहां अपने पास ये X1 होगा, ये Y1 होगा, ये X2 होगा, ये Y2 होगा। ठीक है, तो अपने पास यहां लिखते हैं X2 का मतलब 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये आपका X1 है। Y2 का मतलब माइनस 3, ठीक है, माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास रहेगा, देखिए अपना दूसरा जो आपका इसमें है, ये X1, ये Y1, ये X2, Y2। X2 का मतलब X माइनस X1 आपके पास क्या है, 0 है आपके पास, ये अपने पास 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब हम इसको हल करते हैं आगे, ये 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 का स्क्वायर हो गया, प्लस ये माइनस 3 है माइनस 1 के माइनस के 4 हो गए। और तो अपने पास यहां पे ये अपने पास 5 का 6 में से 1 गया, 5 हो गया, ये अपने पास 25, 5 का वर्ग 25 हो गया, और ये अपने पास 16 हो गए, और ये अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 25 हो गया। हम सबको एक तरफ पक्षांतर कर देते हैं, ठीक है ना, अपने पास ये एक्स स्क्वायर बराबर आपके पास 25 प्लस 16, ये माइनस के 25 जाएंगे, इधर पक्षांतर हो गए, तो 25 से 25 अपने कट जाते हैं क्योंकि ये प्लस के है और ये माइनस के हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास हो गया 16, और एक्स बराबर अंडर द रूट 16 और बराबर प्लस माइनस 4, ये आपके पास एक्स का मान आ गया। ठीक है, तो अब इसने आगे कहा है कि आपको दूरी ज्ञात करनी है, कौन सी, क्यू आर, कौन सी दूरी ज्ञात करेंगे, क्यू आर ज्ञात करेंगे, ये क्यू आर ज्ञात अंडर दी रूट, ठीक है, क्यू आर का मतलब आपकी देर थी इधर, तो यहां हमें 4 रखना है, क्या रखेंगे हम, 4, ठीक है, एक बार प्लस रखेंगे चाहे माइनस रखेंगे, मान वही आना है क्योंकि ये आपका क्यू आर दिया हुआ है और क्यू आर ही ज्ञात करना है। तो यहां पे देखिए एक्स का मान हमें करना कुछ नहीं, यहां एक्स की जगह 4 रखना है, यहां हम लिखते हैं 4 माइनस 0, ये 4 माइनस 0 प्लस आपके पास 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रूट, ये 4 का होल स्क्वायर या होल स्क्वायर है, प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रूट, आपके पास जाएगा ये 16, 4 का वर्ग 16 हो गया, 5 का वर्ग 25, 41, कितना जाएंगे, 25 और 16 41 हो जाएंगे, क्यू आर इज इक्वल टू अंडर द रूट 41 हो गया। अब इसने कहा है कि पी आर ज्ञात कीजिए, क्या कहा इसने, पी आर ज्ञात करना है, पी आर सेकेंड पार्ट हो गया, थर्ड तीसरा पार्ट है ये, पी आर बराबर अंडर द रूट, सूत्र वही है X2 माइनस X1, यानी कि अब ये आपका X1 है, ये X2 है,
या x2 का मतलब अपने पास 4 माइनस x1 का मतलब 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अपने पास हो गया ये बराबर, ये माइनस का एक बचेगा, 4 में से माइनस 5 गए, माइनस का एक का होल स्क्वायर और प्लस 6 प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर दी रूट 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 चाहे एक कुछ भी लिखो, 1 का माइनस 1 का स्क्वायर करना है एक ही आएगा, प्लस अपने पास 3 9 का स्क्वायर। ठीक है, अपने पास 9 का स्क्वायर ले लेते हैं बराबर, अपने पास क्या हो गया 1 प्लस 81 बराबर अंडर दी रूट 82, ये आपका पी आर बराबर अंडर दी रूट 82 हो गया। यार तो 82 आ गया, कब आया, जब x का मान हमने 4 लिया था, यहां x का मान क्या है प्लस और माइनस दोनों है, हम यहां क्या करते हैं अब माइनस में लेते हैं, x बराबर माइनस 4 लेंगे तो पी आर बराबर अपने पास क्या रहेगा अंडर दी रूट, यहां पे जो हमने लिखा है यहां केवल ये बदलाव आएगा, यहां माइनस 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर जाएगा और 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर लेगा, ये इतना सा बदलाव आएगा लेकिन आंसर बदल जाएगा, ये अपने पास माइनस के 9 का होल स्क्वायर जाएगा प्लस 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर जाएगा और ये बराबर अपने पास 9 का होल स्क्वायर क्या 83 और ये भी 3 का स्क्वायर बराबर अपने पास क्या हो जाएगा 81 प्लस 81। ठीक है, तो अपने पास अंडर दी रूट क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 2 और 8 दुनी 16 और इसको हम इस प्रकार से भी लिखते हैं 9 अंडर रूट 2। इस प्रकार P की जो दूरियां है PR वो आपकी अंडर दी रूट 82 और 9 अंडर रूट 2, ये दो दूरियां आपकी आएगी। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।